अब क्या करना है, आपको ग्रे और पर्पल ये दोनों एनो रखना है और ये दोनों एनो रखना है। आपको एनो रखना है, दोनों दो एनो पॉइंट चाहिए, एक बॉयस कार्ड के लिए ये दोनों, और ये दोनों चाहिए आपको, ये दोनों वायर वाइट और येलो डीओ के लिए, वो दोनों कोई सी को यूज़ कर लिए। इसको एनो एन सी कैसे बनाता है डिवाइस से वो मैं आपको बताता हूँ। डिवाइस में आपने ये बना के रिसेट कर दिया, ऐसे कुछ शो करेगा तो आपको ये स्किप और डिसकनेक्टिंग हो गया। अभी कनेक्टर लगा देता हूँ डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्किप ओके प्लस माइनस बी और ए, तो आप हमें दोनों स्किप और ओके को दबा के रखना है। दबा के रखते ही सी सी जीरो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको 11 बनाना है। 11 आ गया। अब ओके करना है, ये पी आर आ गया, तो पी आर को कुछ नहीं करना, ए एल में जाना है। ए एल वन मतलब ग्रे और पर्पल हुआ, ए एल वन मतलब ग्रे और पर्पल रिले। तब इसको आपको क्या करना, ओपन रखना है तो ये एनो रहेगा, और क्लोज रखोगे तो ये एन सी रहेगा। तो आपको ओपन रखना है तो ओपन रख दीजिए, एनो हो गया, और क्लोज रखोगे तो एन सी होगा। अब उसी तरह ये चीज़ है, अब उसके बाद हमें इसे ओपन रखना है। ओके हो गया। अब ए एल टू में अपोजिट होगा, आपको अपोजिट होगा। जैसे इसमें अगर आपने क्लॉज है तो ये एनओ हुआ, और ओपन है तो एन सी हुआ। ये देख लेना अभी सेट हो गया, तो हमें इसको क्लॉज रखना है, एल टू को क्लॉज रखना है कि मुझे एनओ रखना है, क्लॉज रखना पड़ेगा। क्लॉज रख दिया तो ये एनओ हो गया, और स्किप करके अगर इन केस ए एल वन को ओपन कर रहे हो तो एनओ नहीं हो रहा है, एन सी हो रहा है, और क्लॉज कर रहे हो तो एनओ हो रहा है, तो आपको क्लॉज रखना है। ये देख लेना, अगर ओपन मल्टीमीटर चेक कर लेना आपको कि मल्टीमीटर में से क्या होगा। नॉर्मल मोड में ये कंटिन्यूटी नहीं देगी, जब ये केजी पड़ेगा तब कंटिन्यूटी देगी। अगर नॉर्मल मोड में कंटिन्यूटी दे रही है तो आपको यहाँ से क्लोज करके इसको एनओ बना दो। अब अगर अपोजिट काम कर रहा है तो इससे आप चेंज कर सकते हो, ओपन करोगे तो एनओ हो जाएगा, अगर ओपन से एनसी हो रहा है तो क्लोज से एनओ होगा। उसके बाद आपको वो डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन होता है, कभी इसमें भी कनेक्शन होता है, कभी इसमें भी होता है। अगर इस दोनों में है तो आपको ओपन क्लोज करना, अगर इस दोनों में है तो क्लोज ओपन से होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको बाहर आ जाना, बस हो गया। जैसे लोड पड़ेगा वो बजेगा।